वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर किशन ओझा आपका स्वागत करता हूँ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉइल फिलिंग की हम क्वांटिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी सर्वे। आप लोगों को जैसे पता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सबसे पहले इनिशियल स्टेज होता है हमारा लेआउट, उसके बाद एक्सकवेशन, उसके बाद फुटिंग कॉन्क्रीट, पेडेस्टल कॉलम। तो जैसे ही हम पेडेस्टल कॉलम को अचीव करते हैं तो उसके बाद हमको बैक फिलिंग कराना होता है टू अचीव प्लिंथ लेवल। तो वो बैक फिलिंग का जो एक्सकवेटेड हाइट है वो हमको पता रहना चाहिए, अपने प्लॉट का एरिया पता होना चाहिए, ताकि हम अपने जो भी सैंड फिलिंग है उसको हम निकाल सके। तो सबसे पहले मैं बात करूं सॉइल फिलिंग की, तो सपोज हमारा अगर प्लॉट एरिया है 22.5 × 6.7 मीटर, तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो हो जाएगा आपका 150 मीटर स्क्वायर, जिसमें मैंने डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन माना है कि 1.5 मीटर तक का मेरा डेप्थ है जहां पे मेरे को सॉइल को फिल कराना है। तो इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 22.5 × 6.7 × 1.5। तो इसका जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो मेरे को वॉल्यूम मिलेगा 225 क्यूबिक मीटर। तो ये 225 क्यूबिक मीटर क्या है, अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम है उसका, वॉल्यूम ऑफ सॉइल फिलिंग रिक्वायर्ड। पर इसमें हम 30% एक्स्ट्रा लेते हैं हमारे वॉल्यूम का, क्यों, क्योंकि कॉम्पैक्शन के कारण। जैसे ही हम मिट्टी को बैक फिलिंग के थ्रू अपन डंप करवाते हैं तो वो कॉम्पैक्शन के थ्रू क्या होता है, दबते जाता है। तो जितनी क्वांटिटी हमको लगनी है उससे 30% एक्स्ट्रा हमको उसमें सॉइल को डलवाना होता है। तो यहां मेरे को 30% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा इस वॉल्यूम का। तो 225 का अगर मैं 30% लूं, मतलब कि 225 × 1.30, तो वहां से मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 292.5 मीटर क्यूब। तो अब मैं इस मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने पे मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10,328 क्यूबिक फीट। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि मेरे को कितना क्यूबिक फीट में, कितने अमाउंट में, कितने वॉल्यूम में मेरे को सॉइल फिलिंग कराना है अपने साइट पे। तो इसके बाद हमको पता है कि या तो हम सॉइल फिलिंग दो तरीके से करा सकते हैं, या तो ट्रक्स के हेल्प से या तो ट्रॉलीज के हेल्प से। तो ट्रक्स की हेल्प से जब हम उसका सॉइल फिलिंग कराएंगे तो ट्रक की जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 500 क्यूबिक फीट। वही अगर मैं ट्रॉलीज की बात करूं तो ट्रॉलीज की होती है आपकी 70 क्यूबिक फीट। तो अगर मेरे को इसमें नंबर ऑफ ट्रॉलीज निकालना होगा तो नंबर ऑफ ट्रॉलीज निकालने के लिए तो जो मेरा कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है मेरे को जस्ट उसको उसके ट्रॉली की कैपेसिटी जो कि 70 क्यूबिक फीट है उससे डिवाइड करना होगा। तो जब मेरे को नंबर ऑफ ट्रॉली चाहिए तो मैंने क्या किया, 10,328 / 70। तो इस पर डिवाइड करने के बाद जो मेरे को नंबर ऑफ ट्रॉलीज मिले वो मिले 148 ट्रॉलीज, मतलब कि मेरे को 148 ट्रॉलीज लगेंगी उस सॉइल का पूरा फिलिंग करने में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जो सॉइल फिलिंग का रेट जो लेते हैं एसओआर से, जो कि सेकेंड चैप्टर में 2.1 में दिया हुआ है कि हम अगर लोकल सैंड या लोकल सॉइल फिल करते हैं तो हम उसका रेट लेते हैं 242 पर क्यूबिक मीटर। तो यहां पे जो मेरे पास क्यूबिक मीटर में वैल्यू है वो है 292.5 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय 242 कर दूंगा तो मेरे को अमाउंट मिल जाएगा कि मेरे को सॉइल फिलिंग के लिए वहां से रेट क्या मिल रहा है जहां से मेरे को काम करवाना है। और उसके बाद मैं उसको 148 ट्रॉलीज जो है वो मैं निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी सर्वे। तो वहां से मेरे को जो लोकल सॉइल है उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टर से या अपना जो भी टेंडर पास किया है हम उससे बात करके कोई जमीन से सॉइल उठा सकते हैं विद प्रॉपर परमिशन के साथ। तो आपको एक परमिशन लेटर भी बनाना पड़ता है अगर आपको वहीं से ही सॉइल उठवाना हो, या तो आप सॉइल अगर बाहर से खरीदते हैं विद ट्रैक्टर और ट्रॉली का जो रेट लगेगा उसका जो रेंट लगेगा वो भी एक्स्ट्रा लगेगा। तो कोशिश करिएगा कि सॉइल फिलिंग के जो केसेस हैं वहां पे आप जो भी आपका टेंडर पास किया है उससे सॉल्यूशंस मांगे कि कैसे हम उस सॉइल को वहां से अपने साइट में गिरा सकते हैं ताकि वो इफेक्टिव और कन्वीनियंट हो जाए हमारे लिए। तो 148 ट्रॉलीज का जो नंबर ऑफ ट्रॉलीज के हिसाब से जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट का, तो हम उस तरह से उसका रेट एनालिसिस कर लेंगे।
तो इसी तरह के वीडियोस के लिए और बने रहिएगा सिविल गुरु जी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि कैसे हम क्वांटिटी निकालेंगे कंक्रीट ब्लॉक के लिए और कैसे हम एक्सकवेशन मटेरियल्स जो भी हमको कटिंग फिलिंग निकालना होता है वो कैसे निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।